आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स कि आप पिंपल को कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, साथ ही में उससे रिलेटेड दाग धब्बे जो है आपके फेस पे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको एक बार पिंपल आ जाता है, आपका पूरा चेहरा पिंपल से भर जाता है। स्पेशली टीनेज में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लड़की हो या लड़का, कोई भी इस रेमेडी को ट्राई कर सकता है। पिंपल्स आने से आपका कॉन्फिडेंस भी फ्रेंड्स गिर जाता है। अगर आप चाहते हैं बेदाग त्वचा पहले की तरह, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ये वाली मेरी रेमेडी 100% नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। जैसे मैं बताऊँगी वैसे ही आप लगाइएगा और ट्राई कीजिएगा, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रेमेडी को फटाफट शुरू करते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे नीम का पाउडर। ये मैंने आयुर्वेदिक शॉप से खरीदा है फ्रेंड्स, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, या तो फिर आपके आसपास अगर नीम का पेड़ हो तो उसकी पत्तियों को धोकर अच्छी तरह से धूप में सुखा दे या माइक्रोवेव में सुखा दे उसको, और उससे पीस के पाउडर बना दे। फ्रेंड्स नीम की बात करूँ तो इसमें होता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी, जो आपके पिंपल्स को बढ़ने से रोकता है, पिंपल्स को खत्म कर देता है ये जड़ से। तो इसमें ले लेंगे एक चम्मच हम नीम का पाउडर। अब इसमें डालेंगे हम बेसन, यहां मैंने आधा चम्मच लगभग बेसन लिया है, और इसमें डालेंगे। बेसन से क्या होगा फ्रेंड्स, आपके जो दाग धब्बे हैं, पिंपल के जो मार्क है, वो सब ये निकाल देगा। तो बेसन ऐड करेंगे। उसके बाद अब हम ले लेंगे ये भीमसेन कपूर, कपूर डालना है आपको। ये भी आपको आयुर्वेदिक शॉप पे इजीली मिल जाएगा। ये भीमसेन कपूर है और ये बहुत ही फायदेमंद है। ये आपके पिंपल को आगे बढ़ने से रोकने में बहुत ही फायदेमंद होता है, और जो इसके दाग धब्बे हैं इससे वो भी निकलता है। इस तरह से छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल के इसे पीस के हाथ से ही ये टूट जाएगा इजीली। फिर इसमें एक और इंग्रेडिएंट की बात डालते हैं, वो है एलोवेरा। फ्रेश एलोवेरा जेल ही लेना है। अगर आपको रिजल्ट इफेक्टिव चाहिए फ्रेंड्स, तो आपको फ्रेश एलोवेरा ही लेना है। देखिए इतना छोटा सा टुकड़ा लिया है, और फॉक की हेल्प से देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर हम लाइंस कर देंगे तो इसका जेल ईजिली निकल जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि कितने ईजिली इसका जेल निकल रहा है। एलोवेरा की बात करूँ तो ये आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, और जो दाग धब्बे हैं वो ख़त्म करेगा, आपके स्किन को क्लियर करेगा और स्पॉटलेस बनाएगा। तो यहाँ एलोवेरा जेल ले लेते हैं इस तरह से, ये देखिए। तो अब इसमें एक और चीज़ डालने की बारी है, वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर की रेमेडी भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। थोड़ा सा रोज़ वाटर डालेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए और ये अप्लाई करने के लिए एक जेल फॉर्म में आ जाए। तो फ्रेंड्स इसमें एलोवेरा जेल डाला है, तो ये जेल फॉर्म में बनने वाला है हमारा ये क्रीम, और ये आपके पिंपल को जड़ से ख़त्म करने वाला है। बिलीव मी, ये इतना इफेक्टिव रेमेडी बन के रेडी है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे हम, ये देखिए। थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अच्छी तरह से आप इसे मिक्स करिए, एक से डेढ़ मिनट तक अच्छी तरह से इसे मिक्स करिए चम्मच से, और ये देखिए आपकी रेमेडी बन के रेडी है। इसे आप फ्रेंड्स हफ्ते भर तक के लिए आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और बाद में अगर बचा है तो उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। तो देखिए कैसा ये जेली फॉर्म बन के रेडी है, आप देख सकते हैं इसमें लेस आ रहा है, बिकॉज हमने इसमें फ्रेश एलोवेरा यूज़ किया है। तो ग्रीन कलर नीम की वजह से आया है। इसमें सारी ऐसी चीज़ें डाली है जो आपके पिंपल को जड़ से ख़त्म करेगा, उसके मार्क्स जड़ से ख़त्म करेगा। देख सकते हैं आप ये कैसा इसमें जेल फॉर्म हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसे लगाना कैसे है। इसके लिए आपको ये आपका जेल ले लेना है, और जहाँ आपको पिंपल है आपको वहाँ उसे अप्लाई करना है, आपके फेस पे जहाँ पे भी है, पूरे फेस पे कहीं पे भी है आप इसको लगा दीजिए। अगर दाग धब्बे भी हैं पिंपल के, वहाँ पे भी आप लगाएंगे और लगातार इसे आप यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके दाग धब्बे भी धीरे धीरे जा रहे हैं। रातों रात कोई कमाल नहीं होगा फ्रेंड्स, इसको आपको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसे सूखने दें और बाद में इसे वॉश कर ले। तो कैसी लगी आपको आज की ये मेरी रेमेडी? था ना ये बहुत ही ईजी और क्विक DIY, जल्दी से बना लीजिए। अगर आपको पिम्पल्स और उसके रिलेटेड मार्क्स अगर ख़त्म करने हैं तो ये रेगुलर यूज़ कीजिए, और मुझे कमेंट करके बाद में फिर बताना। मुझे
आपके कमेंट का इंतजार रहेगा. लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे ब्यूटी एंड ब्रेन्स चैनल को. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.